सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में, मापन के बारे में, मापन के प्रकार, मापन के स्तर, सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और मापन चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो आज हम समझेंगे मूल्यांकन क्या होता है। दोस्तों देखिए, जब शिक्षक उद्देश्यों के लिए अधिगम परिस्थितियों का सावधानी पूर्वक निर्धारण कर लेता है तब मूल्यांकन के लिए परीक्षा का निर्माण किया जाता है। इस परीक्षा द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। मेगर के अनुसार इस पद के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशन तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता का मूल्यांकन करता है, जिससे उनमें सुधार तथा विकास के लिए शिक्षक को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके आधार पर वह उत्तम साधनों तथा स्रोतों का प्रयोग अधिगम उन्नति के लिए करता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब मूल्यांकन का अर्थ हम समझते हैं, फिर इसको डिटेल में एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है और इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मापन में भी, कि जैसे अब किसी कक्षा में मोहन के 30 नंबर हैं और कोमल के 50 नंबर हैं। मान लीजिए 100 नंबर की परीक्षा में मोहन को मिले हैं 30 नंबर और यहाँ पर सोनम को मिले हैं 50 नंबर। तो जो मोहन है, मोहन के नंबर अगर हम सोनम के नंबर से तुलना करें, हम मोहन के नंबर की, तो मोहन का नंबर 30 है, सोनम का नंबर 50 है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, जो सोनम है इसके जो मार्क्स हैं वो किससे ज्यादा हैं, मोहन से क्या हैं, ज्यादा हैं। जब केवल हम ये बात करते हैं पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की कि मोहन 30 नंबर पाया है, सोनम 50 नंबर पाई है, कोमल 60 नंबर पाई है, ठीक है, इस तरीके से सीता 70 नंबर पाई है, तो यहाँ पर हम केवल एक एक बच्चे के परिणाम की बात कर रहे हैं और हमने क्या किया है, माप किया है। लेकिन अब हम जब किसी की किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी को किसी से अच्छा बता रहे हैं, किसी को किसी से खराब बता रहे हैं, तो जहां अच्छा बुरा, जहां पर तुलना की जाती है वहां पर ही आता है मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि सोनम के नंबर मोहन से अधिक है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है और जहां पर भी विशेषता होती है वहां पर मूल्यांकन आ जाता है। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। जैसे एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसके पास पेशेंट तो आएंगे ही। अब जो पेशेंट या रोगी जो आ रहा है, अब हम कैसे मानेंगे कि ये जो डॉक्टर है इसकी दवा काम करती है, जब इसके यहाँ रोगी आएंगे और वो बहुत सारे रोगी 95% या 96% रोगी यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी दवा जो है वो प्रभावशील है। ठीक है, तो मूल्यांकन हमने कैसे किया, हमने दवा के आधार पर कहा कि इस डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो उससे लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमने कैसे उसका मूल्यांकन किया डॉक्टर का, अपने रोगी के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए हमने क्या कर लिया, उसका मूल्यांकन कर लिया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी दवा देते हैं जिससे रोगी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बाग का माली अपने पौधों का मूल्यांकन, पौधे का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार पर करता है। यानी कि माली का जो काम है वो सभी पौधों की देखभाल करना, सभी पौधों को अच्छे से ख्याल रखना, पानी देना, खाद देना होता है, लेकिन उस उन्हीं फूलों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, तो उनकी सुंदरता के आधार पर क्या करता है, वो
उन फूलों का मूल्यांकन करता है। ठीक इसी प्रकार एक शिक्षक अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। अब आपको यहाँ पर जो मेन चीज है यही ये लाइन है शैक्षिक मूल्यांकन, जिसमें आपको समझना है कि शिक्षक ने क्या किया, आपको एक चैप्टर पढ़ाया, दो पढ़ाया, तीन पढ़ाया, चार पढ़ाया, पांच, पांच चैप्टर लगातार टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही समझा करके कविता के माध्यम से, इसके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार के मेथड्स का प्रयोग किया, अलग अलग सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया। अब बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से शिक्षण कर दिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, वो जब इसका मूल्यांकन करेंगे और वो ये देखेंगे कि बच्चे अपने व्यवहार में भी इसको ला रहे हैं, वो देखेंगे कि बच्चे अपने व्यवहार में भी जो मैंने सिखाया था उन गुणों को ला रहे हैं, तभी क्या होगा, जब बच्चे का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा तभी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल होगी। तो एक शिक्षक जो भी पढ़ाता है उसका जो भी उसने पढ़ाया है वो उसके विद्यार्थी ही बता पाते हैं, यानी कि कितना बच्चों ने सीखा, इसी से उस शिक्षक का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो बच्चों का तो मूल्यांकन होता ही है, साथ ही साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन हो जाता है। अगर बच्चों का व्यवहार परिवर्तन हम करने में कामयाब रह गए, बच्चों को चेंज करने में जो उनकी बुरी आदतें थी उनको हमने कम किया, समझा करके सही से उनको ज्ञान दे करके या उनको अच्छे से पढ़ा करके अपेक्षित व्यवहार में उनके परिवर्तन लाया, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से लोगों से कह पाते हैं, या कोई भी चीज कहनी हो तो दृढ़ता के साथ कहते हैं, जहां गलत है उस चीज को गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, अगर ये सब चीजें बच्चों के अंदर गुण आ रहे हैं तो इसका मतलब जो आपने शिक्षण किया है वो प्रभावशाली है और उसकी झलक बच्चों में दिख भी रही है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित है। ठीक है, मापन द्वारा गुणों, योग्यताओं तथा विशेषताओं के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक छात्र ने 50 में से 30 या 40 अंक प्राप्त किए हैं, परंतु 50 में से 30 या 40 अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है, अध्यापक को यह जानना भी आवश्यक होता है कि प्राप्तांक कितने अच्छे हैं। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस आधार पर छात्र की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्यांकन मूल्य और अंकन इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन, मूल्य का मतलब होता है वैल्यू और अंकन मतलब असाइनिंग नंबर्स। ठीक है, तो हमारे अंदर जो गुण, जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत हमारा व्यवहार भी यहाँ पर आंका जाता है और हम कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं किस विषय में ये भी आंका जाता है, और इन दोनों को जोड़ करके ही क्या बनता है, मूल्यांकन होता है हमारा। जैसे कि स्कूल में जब बच्चों को सारे विषय पढ़ा लिए जाते हैं, फिर उनका वाइवा भी, छोटे क्लास में भी बच्चों का वाइवा या प्रैक्टिकल टाइप का होता है जिसमें बच्चों से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि उनका मूल्यांकन, उनका मूल्य भी अंकन हो उनका, और अंकन तो होगा ही, यानी कि उनके जो विषय में नंबर प्राप्त कर रहे हैं वो तो प्राप्त ही करें, साथ ही उनका वाइवा भी लिया जाए, प्रैक्टिकल भी लिया जाए कि वो कितना अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना सीख रहे हैं, कितना उनको नॉलेज है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की वह प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता तथा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे बच्चा 30 नंबर लाया है, 50 में से 30 नंबर लाया, अब ये 30 नंबर क्या आपने कितना टफ पेपर बनाया था, क्या पेपर बहुत टफ था या फिर पेपर बहुत इजी था, तो इस तरीके से पेपर बनाया किस तरीके से था आपने, और ये जो 30 नंबर है ये क्या एवरेज है या इससे भी ज्यादा नंबर भी बच्चों ने लेकर के आया है, तो ये सब जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये 30 नंबर है चलो ठीक है, ये यहाँ पर 30 नंबर पा गया ये तो मापन हो गया, लेकिन ये नंबर कितना अच्छा है या कितना खराब है या इस कितने और बच्चे इससे अच्छा नंबर लाए हैं, जहां पर हम तुलना करने लगते हैं, जहां पर इस परिमाण को हम मूल्यांकन करने लगते हैं, हम कह सकते हैं वहीं पर आता है मूल्यांकन। फिर देखिए, उदाहरण के लिए किसी बुद्धि परीक्षण में एक बालक द्वारा प्राप्त 70 बुद्धि लब्धि उस बालक को मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखती है। आप सभी को पता है, ये ऑलरेडी अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी भी आगे के चैप्टर्स में, कि अगर 70 बुद्धि लब्धि किसी बच्चे की IQ 70 है तो वह मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार 3 विद्यालयों का परीक्षा फल है यहाँ पर क्रमशः, ए विद्यालय का 70%,
बी विद्यालय का 80% और सी का 60%। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस तरीके से हम यहां पर लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ए स्कूल है, इसका 70% रिजल्ट गया है, यानी कि 70% बच्चे पास हैं। जो बी स्कूल है इसके 80% बच्चे पास हो गए हैं, और जो सी स्कूल है इसके 60% बच्चे पास हुए हैं। तो आप क्या कहोगे, 70, 80%, 60% सबसे ज्यादा किस स्कूल के बच्चे अच्छा किए हैं? तो 80% बच्चे बी के हैं, यानी कि बी के जो हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि यहाँ पर इन तीनों में अगर तुलना करेंगे तो बी का जो प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के बच्चों ने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ के बच्चों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब अगर इनमें हम तुलना करें सी से इन दोनों की, तो सी का सबसे क्या है, खराब है। तो जब जहां पर हम तुलना करने लगते हैं, जहां पर हम ये ढूंढने लगते हैं कि कौन सबसे अच्छा है, तो यहीं पर क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तो चलो ठीक है, सी ले आया है 60% ले आया है, बी ले आया है 80%, ए ले आया है 70%। अगर इनकी अलग अलग हम बात करें, इनकी कोई तुलना ना करें, तो वो मापन होगा। लेकिन जब हम इसमें ऐसे अच्छे से अच्छा ढूंढ रहे हैं, खराब से खराब ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर आ जाता है मूल्यांकन। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को एक नई तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल छात्रों की विषय संबंधी योग्यता की ही जानकारी प्राप्त की जाती है, बल्कि यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया एकांकी ना होकर विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है कि जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, यहाँ पर हर बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका विकास किस सीमा तक हो रहा है जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम जो शिक्षण की विधियां हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, ये सब जब अच्छे से हम बच्चों को पढ़ाते हैं या शिक्षण विधियों का प्रयोग कर करके, साथ ही बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो जब वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उसका हमें मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा कि आखिर में बच्चे सफल कितना हुए। हमने अलग अलग प्रकार के मेथड्स का प्रयोग किया, अलग अलग प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया। अब हम उनका जब मूल्यांकन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि बच्चों का अधिगम कितना हुआ, बच्चे कितना सीख पाए हैं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया कभी भी एकांकी नहीं होती है, ये हमेशा विभिन्न कार्यों की श्रृंखला होती है, जिसमें हम बच्चों का छोटा छोटा टेस्ट लेते रहते हैं, एग्जाम लेते रहते हैं लगातार, तो इस तरीके से होती है। अब देखिए इसके बाद मूल्यांकन में छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, यानी कि भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसे हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास, ये तीनों से मिलकर के ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मूल्यांकन में बच्चों के इन्हीं तीनों पक्षों का हम अध्ययन करते हैं, और बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये सब आप पढ़ोगे यहाँ पर। ये संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, अलग से इसको पढ़ोगे आप। भावात्मक पक्ष में क्या क्या चीजें आती हैं और मनोक्रियात्मक पक्ष में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मूल्यांकन की परिभाषाएं दी है, तो चलिए इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए मूल्यांकन की परिभाषा है रेमर्स एंड गेज की। तो मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो याद रखिएगा, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसी को मान करके चला जाता है। यानी कि जो मूल्यांकन हम करते हैं किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है हम उसी को मान करके चलते हैं और उसी के अनुसार मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में जो चीज सही मानी गई है, जो हमारे संविधान में, हमारे देश के नियम में जो चीजें हमको सही बताई गई हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को वो मूल्य बताएंगे। सच्चाई, ईमानदारी, जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप देखोगे, सहयोग की भावना, ये सारी चीजें जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमें बताई हैं या फिर जो हमारे नियमों में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो नियम बताए गए हैं, वही चीज हम बच्चों को बताते हैं और वही मूल्य बच्चों को बताते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जो हमारे लिए सही हो और जो समाज के लिए सही हो, जो दोनों की दृष्टि से अच्छा होता है या वांछनीय होता है, हम उसी को मान करके चलते हैं मूल्यांकन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
कोठारी आयोग ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कोठारी आयोग की परिभाषा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी की परिभाषा, ये दोनों परिभाषाएं मूल्यांकन की एग्जाम में पूछी हुई हैं। तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण लक्ष्यों से कैसे, अब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, 5 पढ़ाया, वो पढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन वो आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपका रिवीजन नहीं करा रहे हैं, तो फिर उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने के बाद बच्चों का टेस्ट ना लिया जाए, बच्चों से पूछा ना जाए बच्चों को कितना समझ में आया, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, या तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, या तो हम टेस्ट लें, या तो हम एग्जाम लें, या तो हम बच्चों से पूछें। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अगर हम बच्चों को केवल साल भर पढ़ाते पढ़ाते चले जाएं, उनका हम किसी प्रकार से कोई टेस्ट ना लें, कोई एग्जाम ना लें, तो हम जान पाएंगे कि बच्चे ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इसीलिए जो मूल्यांकन है ये हमारे शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसी से हम जान पाते हैं कि जो शिक्षण लक्ष्य है हमारे, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कितना सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के द्वारा शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यानी कि अगर हमने 100 नंबर की परीक्षा ली है, इस 100 नंबर में से कोई बच्चा 60 लाया होगा, कोई बच्चा 70 लाया होगा, कोई 90 लाया होगा, कोई 55 लाया होगा, कोई 40 लाया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन से बच्चे की उपलब्धि कितनी रही। अगर हम ये नहीं चेक करेंगे, हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, रिवेल्युएशन नहीं करेंगे, तो हम जान ही नहीं पाएंगे बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो शिक्षा के उद्देश्य है वो हम उसको कितना सीखने, मतलब कहाँ तक पहुंचने में हम सफल रहे कि मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे वो 80% से ऊपर लेकर के आए, इसका मतलब है कि बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कि हमारे द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी गई है उसका उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ, कितने बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए, कितने बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए टारगेटसन और एडम्स की यहाँ पर परिभाषा है। तो मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं। तो पहला है मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतः अनियंत्रित अवलोकन का इसमें कोई स्थान नहीं है। दूसरा है मूल्यांकन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक उद्देश्यों अथवा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों, ठीक है, को पहले से निर्धारित कर लिया जाए, इसके अभाव में उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। आपका क्या उद्देश्य है, जब भी आप कोई पेपर बना रहे होते हो या बच्चों के लिए एग्जाम पेपर आप बना रहे होते हो, प्रश्न पत्र बना रहे होते हो, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम बच्चों से आखिर में, अगर इतने सारे चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर हैं, 20 में से हमें केवल 15 क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम के लिए, तो 15 वो क्वेश्चंस कौन कौन से होने चाहिए जिससे बच्चों के बारे में, बच्चों की सोच के बारे में, बच्चों के व्यवहार के बारे में हम अधिक से अधिक जान पाए। ऐसे प्रश्नों को हमें ढूंढना होता है जो बच्चों के विचार को जानने में मदद करे या बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को और बढ़ाने में, उनकी IQ को बढ़ाने में और मदद करे। इस तरीके के प्रश्नों को हम देते हैं और तभी हम जांच या परख पाते हैं कि वाकई में जो हमारा उद्देश्य था इस क्वेश्चन पेपर को बनाने का, या फिर जो हमने सोचा था वो उद्देश्य हम प्राप्त कर पाए। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जो जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं शिक्षा की प्रक्रिया से, क्योंकि अगर हमने मूल्यांकन नहीं किया तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। इसीलिए टेस्ट लेना, एग्जाम लेना, ये सब बहुत जरूरी होता है। फिर है बालक के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य तथा प्रभाविकता के आधार पर उसके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कक्षा में हमने जब टेस्ट लिया, एग्जाम लिया, तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर किए हैं, जो कुछ बच्चे हैं जो मीडियम है, कुछ बच्चे जो बहुत खराब प्रदर्शन किए हैं। तो जो खराब किए हैं उनके ऊपर हमें और मेहनत करनी होगी ना, तो हमें एक अलग टीचिंग प्लान बनाना पड़ेगा या अलग से उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आगे आने वाले कार्यक्रमों को हम
बच्चों के टेस्ट लेने के आधार पर या फिर एग्जाम के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि आगे के कार्यक्रम हम कैसे बनाएं कि जिससे बच्चों की पढ़ाई इजी हो जाए या बच्चों को आसानी से, जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी तेज बच्चों के साथ जोड़ा जाए। फिर है यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल आज यहाँ पर मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन की संकल्पना क्या है और मूल्यांकन की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनके बारे में यहाँ आप लोगों ने पढ़ा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705-9545-49। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। इस क्लास को शेयर करना मत भूलेगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को आप देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए दोस्तों और आप लोगों के लिए ढेर सारी क्लासेस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर करवाती रहूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।